भाई देख के आ गया ओपनहाइमर और आपको बताता है क्या उस सबसे ज्यादा आप ओपनहाइमर एंजॉय करोगे अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। अगर आपको फिजिक्स पल्ले पड़ती है तो आपको मूवी पूरी की पूरी समझ में आएगी। अगर मेरी तरफ बीकॉम पास हो आप तो थोड़ी थोड़ी इधर उधर से ऐसे जोड़नी पड़ेगी। भैया क्या क्या हो गया क्या कुछ बता। पूरी मूवी है एक बंदे के नाम पे जिसका नाम है रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिसने वो बॉम्ब बनाया। उसने पर्सनल लाइफ में क्या क्या मचा रखा है वो भी बता रखा है, एकदम पूरा एकदम चिट्ठा खोल दिया। मैं इतना दूर गया था पीवीआर में आईमैक्स में देखने के लिए और पूरी मूवी में कहीं ऐसा बम तो फटा ही नहीं, ऐसा कोई धूमधड़ाका तो हुआ ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री की तरह फोन में देखो टीवी पे देखो कहीं देखो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आया तो मेरे आयरन मैन आ गया सीधा दिमाग में, जैसे ही रामी मलिक आया तो मेरे सीधे फ्रेडी मकरी आ गया दिमाग। पर जो सबसे मेन चीज मुझे रियलाइज हुई मूवी देखने के बाद वो ये कि जर्मनी के लोगों को हिटलर की मूर्ति बना के पैरों में गिर जाना चाहिए, क्योंकि ये बॉम्ब अमेरिका वाले पहले जर्मनी पे फोड़ने वाले थे पर हिटलर ने खुद को गोली मारी तो बोला अब ये बम तो बना दिया किस पे फोड़े हैं, तो फिर उन्होंने बोला ये जापान का हिरोशिमा नागासाकी कैसा रहेगा, इसलिए वहां फोड़ दिया क्योंकि हिटलर मर गया था। भाई साहब।